हानिपुर गांव का मुखिया बाजार में बैठा हुआ था कि तभी वहां पर जमींदार एक शहरी व्यक्ति के साथ आ पहुंचा। जमींदार को देखकर मुखिया ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे क्या बात है जमींदार, सुबह सुबह आज बाजार कैसे निकल आए, और तुम्हारे साथ ये शहरी व्यक्ति कौन है? मुखिया जी, इसका नाम आर्यन है, मैं इसे आपसे मिलवाने के लिए लाया हूँ। मैं कुछ समझा नहीं जमींदार, साफ साफ बोलो बात क्या है। देखिए मुखिया जी, हमारा गांव अब वीआईपी एरिया में आने लगा है। आर्यन शहर का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वो हमारे गांव में एयरपोर्ट बनवाना चाहता है। आप तो जानते ही हैं कि अगर हमारे गांव में एयरपोर्ट बन गया तो फिर हमारे गांव का नाम पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो जाएगा। जमींदार सही कह रहे हैं मुखिया जी, और मुझे इसके लिए एक पेपर पर सारे गांव वालों के साइन चाहिए, और ये काम तो आप ही करवा सकते हैं। मुखिया गहरी सोच में डूब जाता है। तुम जानते हो जमींदार कि मैं कोई भी काम राजेश की सलाह के बगैर नहीं करता। आखिरकार राजेश और उसकी पत्नी सुधा इस पूरे गांव में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। ठीक है, फिर मैं और आर्यन कल आपसे मिलने फिर आएंगे। इतना कहकर जमींदार आर्यन के साथ चला गया। मुखिया सीधे राजेश के घर पर चला गया। अरे मुखिया जी, आप सब कुछ ठीक तो है? मुखिया ने सारी घटना राजेश को बताई। मुखिया जी, इसका नाम आर्यन है, मैं इसे आपसे मिलवाने के लिए लाया हूँ। मैं कुछ समझा नहीं जमींदार, साफ साफ बोलो बात क्या है। देखिए मुखिया जी, हमारा गांव अब वीआईपी एरिया में आने लगा है। आर्यन शहर का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वो हमारे गांव में एयरपोर्ट बनवाना चाहता है। आप तो जानते ही हैं कि अगर हमारे गांव में एयरपोर्ट बन गया तो फिर हमारे गांव का नाम पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो जाएगा। जमींदार सही कह रहे हैं मुखिया जी, और मुझे इसके लिए एक पेपर पर सारे गांव वालों के साइन चाहिए, और ये काम तो आप ही करवा सकते हैं। तुम जानते हो जमींदार कि मैं कोई भी काम राजेश की सलाह के बगैर नहीं करता। आखिरकार राजेश और उसकी पत्नी सुधा इस पूरे गांव में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। ठीक है, फिर मैं और आर्यन कल आपसे मिलने फिर आएंगे। तुम्हारी क्या राय है राजेश, क्या हमें जमींदार और आर्यन की बात माननी चाहिए? वैसे उनका सुझाव बुरा नहीं है, अगर हमारे गांव में एयरपोर्ट बन जाएगा तो हमारे गांव के लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा। तभी सुधा राजेश की ओर देखकर कहती है, वो सब तो ठीक है राजेश, परंतु मुझे लगता है कि अगर हमारे गांव में एयरपोर्ट बन जाएगा तो कहीं हमारे गांव के लोग मुसीबत में ना आ जाएं। और वो कैसे सुधा? मैंने सुना है कि जब एयरपोर्ट बनता है तब सरकार दूर दूर तक के गांव खाली करा देती है। तुम चिंता मत करो सुधा, अगर एयरपोर्ट बनने से हमारे गांव के किसी भी व्यक्ति पर कोई भी मुसीबत आती है तो सबसे पहले मैं ही एयरपोर्ट बनने का विरोध करूंगा। इतना कहकर राजेश मुखिया से कहता है, चलिए मुखिया जी, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। कुछ ही देर में राजेश मुखिया के साथ जमींदार की हवेली में चला गया। तो फिर तुमने क्या सोचा राजेश? जमींदार साहब, एयरपोर्ट बनने से हमारा गांव तो प्रसिद्ध हो जाएगा, ये सत्य है, परंतु आपको ये आश्वासन देना पड़ेगा कि एयरपोर्ट बनने से हमारे गांव में कोई मुसीबत नहीं आएगी। जमींदार के बोलने से पहले आर्यन राजेश से कहता है, अरे नहीं नहीं राजेश भाई, ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे जब एयरपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा तो तुम्हारे सारे गांव के लोगों को रोजगार मिल जाएगा, पर अगर किसी कारणवश तुम्हारा गांव खाली भी करना पड़ा तो हम तुम्हें दूसरे गांव की जमीन देंगे, और उस गांव में पक्के मकान और सारी सुख सुविधाएं भी देंगे। हम तुम्हारे सारे गांव वालों को खेती करने के लिए इतनी जमीन देंगे कि जितने की उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। ये सुनकर राजेश और मुखिया खुश हो गए। अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है। तो फिर देर मत कीजिए मुखिया जी, ये कागज लीजिए और सारे गांव वालों का अंगूठा लगवाकर हमें दे दीजिए। मुखिया कागज लेकर राजेश के साथ जमींदार की हवेली से निकल गया और सारे गांव वालों का अंगूठा लगवाकर जमींदार को पकड़ाता हुआ बोला, सारे गांव वालों ने मुझ पर विश्वास करके इस कागज पर अंगूठा लगा दिया है, अब आप आराम से सो जाइए। जमींदार साहब,
मैंने आप पर भरोसा करके सारे गांव वालों को अंगूठा लगाने के लिए मनाया है। बस मेरे भरोसे को तोड़िएगा मत। कैसी बातें करते हो राजेश। अरे मैंने और आर्यन ने जो वादा किया है उसे पूरा किया जाएगा। जमींदार की बात सुनकर राजेश मुस्कुराता हुआ मुखिया के साथ जमींदार की हवेली से बाहर निकल आया। मुखिया और राजेश कुछ ही दूर चले थे कि तभी एक ट्रक राजेश को टक्कर मारता हुआ वहां से चला गया। अरे नहीं, ये कैसा अनर्थ हो गया। राजेश का उसी दिन अंतिम संस्कार कर दिया गया। सुधा का रो रो कर बुरा हाल था। रो मत सुधा, होने को कौन टाल सकता है। मेरे पति हमेशा गांव की तरक्की का सपना देखते थे और तरक्की का दिन देखने से पहले ही वो इस संसार को छोड़कर चले गए। मुखिया नम आंखों के साथ सुधा के घर से बाहर निकल आया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन मुखिया घबराता हुआ सुधा के पास आकर बोला, सुधा हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। क्या हुआ मुखिया जी। जमींदार ने हमारे साथ धोखा किया है। जमींदार पुलिस लेकर गांव आया है और पुलिस पूरे गांव को खाली करा रही है। ऐसे कैसे हो सकता है, मैं जाकर बात करती हूँ। सुधा तुरंत अपने घर से बाहर निकल आई और जमींदार से बोली, ये क्या हरकत है जमींदार, ये हरकत करके तुम मेरे स्वर्गवासी पति की आत्मा को ठेस पहुँचा रहे हो। तुम्हारा पति एक मूर्ख था सुधा, वो मेरे इरादे को समझ ही नहीं पाया। जमींदार के बगल में खड़ा आर्यन सुधा से कहता है, हम बिजनेसमैन अपने मकसद को पूरा करने के लिए अक्सर बड़े बड़े वादे करते हैं और तुम बेवकूफ गांव वाले बड़ी आसानी से हमारे झांसे में आ जाते हो। तुम्हें कोई जमीन नहीं मिलने वाली। सारे गांव वालों ने पेपर पर अंगूठा लगाया है और उस पेपर पर लिखा है कि ये सब अपनी मर्जी से उनकी सारी जमीनें मेरे नाम कर रहे हैं। लेकिन तुम चिंता मत करो सुधा, यहाँ से कुछ ही दूर एक बहुत पुराना हवाई जहाज पड़ा हुआ है जो कि आर्यन का है। तुम सारे गांव वाले उसी पुराने हवाई जहाज के अंदर अपना जीवन व्यतीत कर सकते हो। आर्यन और जमींदार ने सारे गांव वालों को उनके घर से बाहर निकाल दिया। सुधा और मुखिया सारे गांव वालों के साथ रोते हुए उसी स्थान पर आ गए जहाँ पर वो पुराना हवाई जहाज पड़ा हुआ था। एक व्यक्ति ने गुस्से से सुधा की ओर देखकर कहा, ये सब तुम्हारे पति के कारण हुआ है सुधा, अब हम क्या करेंगे, क्या हम अपना सारा जीवन इसी खटारा हवाई जहाज में बिताएंगे। उस व्यक्ति की बात सुनकर सुधा फूट फूट कर रोने लगी। तभी अचानक हवाई जहाज के बाहर रंग बिरंगी रोशनियां चमकने लगी और देखते ही देखते वो हवाई जहाज एक बहुत ही सुंदर हवाई जहाज में परिवर्तित हो गया। ये देखकर सभी गांव वाले आश्चर्य में पड़ गए। मुखिया जी, ये सब क्या है। पता नहीं, मुझे लगता है कि हमें एक बार इस हवाई जहाज के अंदर जाकर देखना चाहिए। सुधा और मुखिया हवाई जहाज के अंदर घुस गए, मगर अंदर का दृश्य देखकर उनकी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं। उस हवाई जहाज के अंदर बहुत ही खूबसूरत और सुंदर घर बने हुए थे और वहाँ पर खेती की काफी सारी जमीन भी मौजूद थी। सच तो ये था कि उस हवाई जहाज के अंदर एक पूरा गांव आबाद था। ये देखकर मुखिया हवाई जहाज के बाहर आकर चीखता हुआ गांव वालों से कहता है, गांव वालों, तुम सब जल्दी से हवाई जहाज के अंदर आ जाओ, अंदर तो पूरा गांव है। मुखिया की बात सुनकर सारे गांव वाले हवाई जहाज के अंदर आ गए। एक व्यक्ति खुशी से चिल्लाते हुए मुखिया से कहता है, मुखिया जी, इस हवाई जहाज के अंदर तो हमारी गांव से भी अच्छे और सुंदर मकान बने हुए हैं और इसके अंदर जो गांव स्थित है उसकी जमीन तो हमारे गांव की जमीन से भी ज्यादा उपजाऊ है। ऐसा लगता है मानो हवाई जहाज के अंदर कोई दूसरा ही संसार बसा हो। तुम सही कह रहे हो, आज से हम सब अपना जीवन इसी हवाई जहाज के अंदर बने गांव में ही व्यतीत करेंगे। सारे गांव वाले उसी दिन से हवाई जहाज के अंदर स्थित जादुई गांव में अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन सुधा उस गांव में टहल रही थी कि तभी उसकी नजर एक जेल पर पड़ी। सुधा चौंकते हुए मुखिया से कहती है, मुखिया जी, जादुई गांव में इस जेल का क्या काम है।
अगर यहाँ पर जेल है सुधा, तो इसका कोई तो काम जरूर होगा। समय आने पर इसका भी पता चल जाएगा। इधर एक दिन जमींदार आर्यन से कहता है, समझ में नहीं आ रहा आर्यन कि वो सारे गांव वाले कहाँ चले गए। अरे फिर रहे होंगे कहीं, हमें इससे क्या। नहीं आर्यन, हमें उन पर नजर रखनी होगी। आजकल प्रेस मीडिया का दौर है, तुम सुधा को नहीं जानते, वो पढ़ी लिखी है। कहीं ऐसा ना हो कि वो उन सारे गांव वालों को लेकर प्रेस में चली जाए। मैंने उन सारे गांव वालों को वहीं जाते हुए देखा था जहां पर मेरा खंडहर हो चुका हवाई जहाज पड़ा हुआ है। चलिए चलकर देखते हैं। कुछ ही देर में आर्यन और जमींदार उस स्थान पर आ गए। ये मैं क्या देख रहा हूँ जमींदार, ये मेरा हवाई जहाज तो नहीं है, ये तो बहुत ही सुंदर हवाई जहाज है। इसी बात ने तो मुझे भी आश्चर्य में डाल दिया है, चलो अंदर चलकर देखते हैं। जमींदार और आर्यन जैसे ही उस हवाई जहाज के अंदर गए तो सामने एक दृश्य देखकर उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। ये कैसे हो सकता है, इसके अंदर तो पूरा गांव मौजूद है। तभी वहाँ पर सुधा और मुखिया पहुँच गए। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मुखिया ने इतना कहा ही था कि तभी रंग बिरंगी किरणों के साथ वहाँ पर राजेश प्रकट हो गया। ये देखकर सुधा चौंकते हुए कहती है, राजेश तुम तो मर चुके हो। हाँ सुधा, और मुझे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि जमींदार और आर्यन ही हैं। जो ट्रक मुझे टक्कर मार कर गया था वो ट्रक इन दोनों का ही था। इन दोनों ने मेरे और गांव वालों के साथ धोखा किया, इसलिए जब तुम सब लोग इस पुराने हवाई जहाज के बाहर खड़े होकर रो रहे थे तब मुझसे तुम सबका दुख देखा नहीं गया। और मैंने भगवान से प्रार्थना की और भगवान ने इस हवाई जहाज के अंदर ही तुम सबके लिए एक जादुई गांव बना दिया। तुम जानती हो इस जादुई गांव में जेल किसके लिए थी? किसके लिए? इन दोनों के लिए। अब ये जीवन भर इसी जादुई गांव की जेल में रहेंगे भूखे प्यासे, ताकि ये बाहर की दुनिया में किसी को भी मूर्ख ना बना पाए। राजेश ने इतना कहा ही था कि तभी जमींदार और आर्यन ने स्वयं को जादुई गांव के अंदर बनी हुई जेल में पाया और राजेश रंग बिरंगी किरणों के साथ गायब हो गया। जमींदार और आर्यन ने फिर अपना सारा जीवन जादुई हवाई जहाज के अंदर मौजूद जेल में ही बिताया। पारमपुरी नाम का एक गांव था जहां पर मंजोत अपनी पत्नी ऋचा के साथ रहता था। मंजोत गांव में लकड़ी काटकर लोगों के घर बनाता था और मरम्मत भी किया करता था। मंजोत दिल का साफ इंसान था, सारे गांव वाले उसे अच्छा मानते थे। जो मजा लोगों के घर बनाने में है वो आनंद और किसी भी चीज में नहीं है। हाँ अच्छा तो लगेगा ही, बारिश के महीने में काम जो इतना मिल रहा है आपको, इसीलिए इतने खुश हैं आप। हाँ हाँ काम मिल रहा है तो क्या, लोगों के घरों को बारिश से बचाना काम है मेरा। तुम ही लोगों का अच्छा करते रहते हो, मगर गांव वाले तो जरा भी अच्छे नहीं हैं। आए दिन चोरी की खबरें, जमींदारनी का प्रधान से जलना, एक दूसरे से ईर्ष्या रखना, लोगों के पीठ पीछे बुराइयां करना, यही सब चलता रहता है गांव में। अगर सब बुरा करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी उनके साथ बुरा ही करें। अच्छा छोड़ो मैं निकलता हूँ, मुझे आज प्रधान जी का नया घर बनाना है। मंजोत कुल्हाड़ी लेकर जंगल में पहुँचता है और पेड़ काटने लगता है। आज तो लगता है कि ये पूरा दिन इस पेड़ को काटने में ही चला जाएगा। जल्दी से पेड़ की लकड़ियाँ काट लेता हूँ, फिर प्रधान जी का नया घर बनाना शुरू करूँगा। जंगल में बारिश होने लगती है और आसमान से एक इंसान नीचे आता है जिसके बाएं हाथ में एक छोटा बादल था। जी आप कौन है? मैं जो कोई भी हूँ, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। बस इतना जान लो कि मैं बारिश की ओर से आया हूँ और जल्दी ही गांव में बाढ़ आ जाएगी, जिस वजह से ना कोई घर में रह पाएगा और ना ही कोई घर के बाहर। ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो जमीन पर पैर रख पाएगा। मगर क्यों, ऐसे तो सब मर जाएंगे। इस गांव के लोगों का पाप का घड़ा भर चुका है। एक तुम ही यहां पर हो जो सबसे ज्यादा नेक दिल हो। ध्यान से सुनो,
मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ, एक बड़ा जहाज तैयार करो और जितने लोग उसमें आ सकते हैं उतने लोगों को अपने जहाज में बिठा लो। मेरे हाथ में जो बादल का कर्ण है ये जल्दी ही काले बादल में बदल जाएगा और सुनामी की लहर इस गांव को अपने साथ ले जाएगी। मगर मैं इतना बड़ा जहाज इतनी जल्दी कैसे बनाऊंगा? बरसात की ओर से आया हुआ व्यक्ति मंजोत को एक बड़ी सोने की कुल्हाड़ी देता है। इससे तुम एक बार में ही पेड़ काट सकते हो। ये सिर्फ और सिर्फ तुम ही इस्तेमाल करना। इसे छूते ही तुम्हारे पास अति मानव लकड़हारे की शक्तियां आ जाएंगी। जाओ और जो मैंने कार्य सौंपा है उसे पूरा करो। मंजोत प्रधान को जाकर सारी बातें बता देता है। अगर ऐसा है तो तुम जहाज बनाना शुरू कर दो। मैं सारे गांव वालों को इकट्ठा करता हूँ और उन्हें ये खबर सुनाता हूँ। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मंजोत जंगल में जाता है और उस कुल्हाड़ी से पेड़ काटने लगता है। मंजोत बड़ी सी जहाज बनाना शुरू कर देता है और दूसरी ओर प्रधान गांव वालों की बैठक बुलाकर उन्हें सारी बातें बताता है। अच्छा, तो अब ये प्रधान जी कुछ नया नाटक लेकर आए हैं। मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं करती हूँ। ये नाटक नहीं है, ये सच है। तुम खुद अपनी आँखों से देख सकती हो कि बारिश कई दिनों से रुक ही नहीं रही है। एक हफ्ते बाद ये गांव पूरी तरह से पानी में डूब जाएगा। गांव वाले प्रधान की बात मान लेते हैं, मगर जमींदारनी जहाज में बैठने से मना कर देती है और सिर्फ एक हफ्ते बाद मंजोत एक बड़ी जहाज बना लेता है। जमींदारनी को छोड़ प्रधान और गांव के लोग जहाज में चढ़ जाते हैं। गांव में सन्नाटा सा छा जाता है। फिर एक बड़ी लहर गांव में प्रवेश करती है। देखो देखो, पानी की लहर पूरे गांव को नष्ट करने के लिए आ गई है। मगर हम सबको इन सब से डरने की जरूरत नहीं है। हमें तो ये जहाज बचा लेगा। जमींदारनी जहाज की तरफ चली आती है। अरे रुको रुको, मेरे लिए, मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? मंजोत जमींदारनी को भी जहाज में ले लेता है और सुनामी पूरे गांव को अपने अंदर समेट लेती है। बाल बाल बच गई मैं। जमींदारनी जहाज को देखती है और स्थिरत रह जाती है। ओह, ये कितनी बड़ी जहाज है, मगर यहाँ पर इतनी सारी लकड़ियाँ क्यों रखी हुई हैं? मंजोत गांव वालों से कहता है, गांव वालों ध्यान से सुनो, इन लकड़ियों को मैंने आप लोगों के लिए जमा किया है। मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं जहाज में आप लोगों के लिए घर बना सकूं। वाह मंजोत, तुम ना होते तो हमारा क्या होता। सबके घर समानता से बनाए जाएंगे। घर में रहने वाले परिवार के हिसाब से घर को बनाया जाएगा। जी, अगर घर में कम सदस्य रहते हैं तो उनके लिए एक छोटा घर बनाया जाएगा और अगर ज्यादा लोग रहते हैं तो बड़ा घर बनाया जाएगा। बिल्कुल नहीं, मुझे ज्यादा जमीनें इस जहाज में चाहिए। गांव में मेरे जमीन ज्यादा थे। चुप रहो, ये गांव नहीं है जहाँ जो चाहो वो करो। किस हक से तुम बड़ा घर मांग रही हो? मंजोत ने जैसा कहा है वैसा ही होगा। हाँ हाँ, अभी तुम जमींदारनी नहीं हो, एक आम इंसान हो हमारी तरह। सब अपना अपना घर बनाने लगते हैं और जमींदारनी असलियत को पचा नहीं पाती है। एक समय था जब मेरे पास बेमिसाल दौलत और शौहरत थी। जमीनों की कभी कमी नहीं थी। खेतों का खान पान भी बढ़िया था। सब इज्जत से पेश आते थे। ये सब एक ही बार में मेरे हाथ से चला गया, सब इस सुनामी की वजह से। अब सब लोग सिर्फ उस मंजोत और प्रधान को ही इज्जत देते हैं। मुझे कुछ करना होगा। तभी जमींदारनी का पुराना कर्मचारी वीरू उसके पास आता है। आओ वीरू आओ, क्या हुआ? जब से जहाज में आए तब से मिलने नहीं आए। काम वगैरह नहीं करना है क्या? चल बता, ये मंजोत के कुल्हाड़ी का क्या चक्कर है? जी, मंजोत के पास कुल्हाड़ी है तो उसके पास अति मानव की शक्तियाँ आ जाती हैं।
और तो और मैंने तो ये भी देखा है कि उस कुल्हाड़ी से जब पेड़ को काटा जाता है तो वो पेड़ फिर से उग जाता है और फल भी देने लगता है। और मालकिन जी, रही बात काम की, तो मैं आपके लिए अब आगे से काम नहीं करने वाला। इतना कहकर वीरू वहां से चला जाता है। और दूसरी ओर प्रधान और मंजोत जहाज में सबके लिए बराबरी का घर बना लेते हैं। जमींदारनी को भी एक घर मिलता है जो सिर्फ एक इंसान के रहने बराबर ही होता है। नहीं नहीं, मैं कभी यहाँ नहीं रहूंगी। मेरा घर इससे काफी बड़ा था। इस घर में सिर्फ एक ही इंसान रह सकता है। मुझे सब वापस लेना होगा। मैं उस मंजोत से सब छीन लूंगी। मंजोत और प्रधान जहाज पर बची लकड़ी को काट रहे थे, तभी जमींदारनी हाथ में लड्डू लेकर वहाँ पहुँचती है। प्रधान और मंजोत, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया गांव वाले और मेरी मदद करने के लिए। मुझे नया घर देने के लिए भी शुक्रिया। ये लीजिए, मैं आप लोगों के लिए लड्डू लेकर आई हूँ। लीजिए, खाइए ना। वाह, आज इस जहाज के गांव में नया चांद कैसे खिल गया। बहुत खुश लग रही हो जमींदारनी। हाँ हाँ, हम भी खुश हैं। अगर आप खुश हैं तो लाइए, दीजिए लड्डू। प्रधान और मंजोत लड्डू खा लेते हैं। खा के थोड़ी ही देर में वो दोनों नीचे गिर जाते हैं और गहरी नींद में सो जाते हैं। और जमींदारनी मंजोत की कुल्हाड़ी को चुरा लेती है और अपने घर के पास आ जाती है। अब आएगा मजा। मैं अपना घर इस जहाज में सबसे बड़ा बनाऊंगी। फिर से एक बार मेरा डंका बजेगा। गांव में एक बार फिर लोग मेरी इज्जत करेंगे और मेरे नीचे काम करेंगे। जमींदारनी कुल्हाड़ी लेती है। ये कुल्हाड़ी तो काफी शक्तिशाली है। इसे पकड़कर मानो मुझ में अलग सा बल आ गया हो। अब आएगा मजा, जब मैं दूसरों के घर भी इस कुल्हाड़ी के दम से लूटने लगूंगी। जमींदारनी आजू बाजू के सारे घर तोड़ देती है और उनके घर की लकड़ियों से खुद का एक महल बनाना शुरू कर देती है। दूसरी ओर मंजोत और प्रधान जब होश में आते हैं, गांव का तब तक काया ही पलट जाता है। जहाज में जमींदारनी का महल बन जाता है। प्रधान और मंजोत जमींदारनी से मिलते हैं। जमींदारनी, ये सब तुम क्या कर रही हो? क्या तुम समय को आंक नहीं पाती हो? ये समय अपने स्वार्थ के लिए काम करने का नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी आपने मुझसे चुराई है। वो मेरी कुल्हाड़ी है, मुझे वापस कर दीजिए। नहीं, ये कुल्हाड़ी मुझे बरसात की ओर से आए व्यक्ति ने दी है और कहा है कि मैं इससे जिस तरीके से चाहूं उस तरीके से इस्तेमाल कर सकती हूं। मैं वो सब बनाऊंगी इस जहाज में जो एक समय पर मेरा हुआ करता था। चलो, मुझे और भी काम है, मैं निकलती हूँ। जमींदारनी वहाँ से निकल जाती है। झूठ, ये साफ झूठ कहा जमींदारनी ने। ये मेरी ही कुल्हाड़ी है। मैं जानता हूँ मंजोत, और मुझे विश्वास है कि जिसने तुम्हें ये कुल्हाड़ी दी थी वो ये सब देख रहा है और वही जमींदारनी को उसके किए का जवाब देगा। सभी आसमान में बिजली गरजने लगती है, बादल काले हो जाते हैं और बरसात की ओर से आया आदमी फिर अपने हाथ में बादल का कण लिए प्रकट होता है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने ये कुल्हाड़ी मंजोत को दी थी, तो ये मुझे अभी किसी लालची के हाथ में क्यों दिखाई दे रही है? भीग गया सारा गांव, मगर फिर भी तुम एक बात ना समझी। जाओ, तुम्हारे बड़े खेत और मकान जिसे तुम इतना चाहती हो, अब मैं देखता हूँ कि तुम अब सब लेकर जो तुम्हारा था क्या पाती हो। मगर मेरा घर और खेत गांव में है और गांव पूरे तरीके से पानी में है। जमींदारनी के हाथ से कुल्हाड़ी गायब हो जाती है और उसे वो बारिश का व्यक्ति जहाज से बाहर निकाल देता है। अगली सुबह कुल्हाड़ी मंजोत के घर पर होती है। प्रधान और मंजोत गांव में फिर से सबके घर बराबरी से बना लेते हैं और आगे से सब खुशहाली से जहाज के गांव में रहने लगते हैं।